बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, तो भाई कैसा हूँ? मेरे से जी आपका भाई भी ठीक है। और भाई आज जो आपका भाई पाकिस्तानी बन गया है, तो आज है जी 14 अगस्त और हम हैं जी इस टाइम पार्कों में। तो बाकी आप देख भी सकते हैं, अहमद भाई हमारे साथ हैं इस टाइम, और गनी भाई हमारे साथ हैं, और मुनीफ भाई। तो अभी तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं जी ऑडिटोरियम जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ होना है फंक्शन। तो अभी आपको वहीं ले चलते हैं भाई। आप देख सकते हैं इस टाइम सुबह सुबह कितना खुशगवार माहौल नजर आ रहा है आपको। बाकी तैयारियां फुल हैं माशाल्लाह, आपको दिखाते हैं आगे जाके। ओ सामने परेड भी होगी, वो भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कपड़े वगैरह पहने हुए हैं बच्चों ने और भाग रहे हैं इस टाइम। ख्याल से जिब्रान गिर न जाना। ये परेड की तैयारी हो रही है और पूरे घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद स्टार्ट होगी परेड। फिर आपको वो भी दिखाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड इस टाइम रेडी हो गए हैं। और अबू जी यहाँ ऑडिटोरियम के पास पहले ही आए हुए थे जिब्रान और हफ्सा को लेके। ऑडिटोरियम में इंटर हो रहे हैं जी इस टाइम। भाई ये पार्कों का मैप है, आप ये भी देख लें साथ। अंदर इंटर होने लगे हैं ये जी माशाल्लाह, फंक्शन की तैयारी हो रही है और सामने स्टेज लगा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता बंदे आ रहे हैं दूसरे। परेड स्टार्ट होने वाली है और इस गेट से इंटर होंगे। बाहर तैयारी हो रही भी है मेरे ख्याल में, आपको शायद नज़र आ रहे हो।
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون एंजॉय करें। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप अपने घर में सब कह रहे थे? जी भाई, घर में तो सब ठीक है, मगर आजकल मुल्क की हालात की कुछ समझ नहीं आ रही। इन लोगों के जुल्म तो मासूम मुसलमानों पर बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी आज़ादी तो जैसे सिर्फ ही कर ली हो। ना घर से निकलने की आज़ादी है, ना हम सुकून से नमाज पढ़ सकते हैं, और ना ही मुसलमान घराने के बच्चे मदारिस में दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं। बस अहमद भाई, आपको क्या बताऊँ, तकसीमें बंगाल के बाद तो जैसे हम पर मुश्किल के पहाड़ टूट पड़े हों। मसाजिद में नमाजियों के लिए मुश्किल हैं, और तो और मदारिस में मुसलमान बच्चों को ज़बरदस्ती बंदे मातरम पढ़ाया जा रहा है। मुसलमानों को ज़हनी गुलाम बनाने के लिए तालीमी मुश्किल में इजाफा भी किया जा रहा है। अब तो बस दुआई कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करें। जी साहिब भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी भाई, बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल को उनके मकासद में कामयाब करे। हम पर तो ऐसा हया तंग कर दिया गया है। अहमद भाई, अदलाबाद में मुस्लिम लीग का जलसा भी तो है, चलना है ना आज? जी जी भाई, चलें। मुझे लगता है कि मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के मुताबिक गुजारने के लिए एक अलग खत्ता चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में कई कुव्वतें आबाद हैं और वो एक दूसरे के साथ तआवुन के लिए तैयार नहीं हैं। इस वजह से यहाँ मगरबी तर्ज हुकूमत और जमहूरी निज़ाम राइज नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि पंजाब, शुमाली मगरबी सरहदी सिंध और बलोचिस्तान को मिलाकर एक रियासत की शक्ल दी जाए। बरतानवी सल्तनत के अंदर या बाहर खुद मुख्तार हुकूमत मुझे शुमाल मगरबी हिंद के मुसलमानों का मुकद्दर दिखाई देती है। नारा तकबीर, हम लेक रहेंगे, हम लेक रहेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आप आजाद हैं। आजाद रहे आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान, अपने अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान। हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हमने अपना किरदार भी तो बखूबी निभाया है और इंसानियत की आला मिसालें कायम की हैं। ये कहते हैं आप, जब मुसलमान खस्ता हाल में पाकिस्तान दाखिल
हासिल हुए तो हमारे ही मसीहाओं ने उनकी मसीहाई की थी। ठीक है रही मैं, इसकी बुनियादों में हमारा खुलूस भी शामिल है। देखिए अपने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। हम इंजीनियर ने मुल्क की तरक्की के लिए अहम इमारत और तनसीबात पर काम किया और मुल्क का नाम दुनिया में रोशन किया, इसीलिए इसमें हमारा भी हिस्सा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया की तारीख उठाकर देख लीजिए तो ये बात रोजी रोशन की तरह यहाँ है कि हर मुल्क कौम की तरक्की असातिज़ा के शक्ल और उसकी काविशों का नतीजा है। हाँ ये तो है, अल्लाह ताला ने भी पाकिस्तान को तरक्की असातिज़ा की अथक मेहनत की वजह से दी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए तो उस्ताद को बीमार कौम से ताबीर किया गया है। हाँ ऐसा ही है। और ये भी है कि हमने पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाला और दयानतदारी से मुल्क की बाग दौर संभाली। हाँ आप सही कह रही हैं, हमने निजामी हुकूमत को चलाने की बेहतरीन कोशिश की है। हाँ ये तो सही कहा, बाकी तमाम लोगों की तरह पाकिस्तान की तरक्की में हमारा भी किरदार खूब रहा है। हाँ ऐसा ही है। चलिए अब चलते हैं, देर हो रही है। चले कल जिस बच्चे का ऑपरेशन किया था मैंने तो उसको वही दवाइयाँ लेके दी है, सुबह मेडिकल लैब लेकर गया, मगर वो दवाइयाँ तो बहुत महंगी थी और इस बीमारी के लिए नहीं थी। हाँ ये आप अपने पेशे से बेईमानी कर रही हैं। कुछ नहीं होता, हमारी ईमानदारी से मुल्क तरक्की करके कुछ सातवें आसमान में नहीं पहुँच जाएगा। बात सातवें आसमान की नहीं है, पेशे से गद्दारी तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अरे रुके, कहाँ जा रही है, सुने मेरी बात तो सुने, मुल्क की बुनियादों को खोखला मत करें। और सुना भाई तुम्हारे हल्के में कैसा वोट बैंक है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, मुझे लगता है इस बार मुझे वोट नहीं मिलेंगे। मगर क्यों? क्योंकि मैंने अपने हल्के में कुछ किया ही नहीं, ठेके लेकर सड़कों पर दोनों पर मटेरियल लगवाया जो कुछ ही दिनों में खंडर बन गई है। कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही कहते हैं, क्या सारे अच्छे काम तुम ही नहीं कर रहे हैं? हम और बहुत से लोगों की तरह वोटर्स को पैसे देकर नहीं आएंगे और बहुत से वोटर्स आ जाएंगे। अपने मुल्क में सारे अच्छे काम सिर्फ हम नहीं करते, ये ठीक कह रही है। अरे तुम्हारी बेबी, हम ही अपने मुल्क को रोशन मुस्तकबिल है और हमें अपनी गलतियों को सुधारना है, क्योंकि हम वो कौम है जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है, हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम तैग से कब घबराते हैं, इकबाल ने भी फरमाया है हम तोप से भी लड़ जाते हैं।
भाई से फंक्शन हो गया इख्तिताम, और बाकी अभी सारे अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं अभी। जी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं बाहर इस टाइम, और बाकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था फंक्शन, आपने देखा भी है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अभी फिलहाल जा रहे हैं पार्क में, तो आपको वहीं जाके मिलते हैं, यहाँ जरा ना फोटो शूटिंग करेंगे अच्छी सी, फिर उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी भाई फोटो जो हम बनाएंगे यहाँ। तो अभी फिलहाल चलते हैं जी, पिक्स वगैरह जी बना लिए हमने, और बाकी अब थक हार के घर जा रहे हैं, उन्हें कोई इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं हो। उम्मीद है आपको पार्कों का फंक्शन पसंद आया, अगर आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दे, अभी टाइम नहीं है, घर जाना है, नाश्ता करना है, फिर घर जाके मिलते हैं। ये क्या है? तो मुबशर को ब्लॉग में एडिट कर रहा था, उसने कहा था कि जब एडिट हो जाए मेरा ब्लॉग एंड भी कर देना। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि और लोग भी देखें और इन्जॉय करें। आप देख सकते हैं मुबशर भाई सो रहे हैं, और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।